तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी की पांच ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं पांच ऐसे आपको मैं सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको अगर आप करेंगे तो आप अपने सैमसंग गैलेक्सी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएंगे, काफ़ी हद तक उसको इंक्रीज कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सेटिंग्स है जिसको आप करेंगे और आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही नई अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों सबसे पहले जो टिप है वो है वॉलपेपर को लेके। वो कैसे, जब भी अगर आप कोई वॉलपेपर सेट करते हैं और अगर ऐप स्क्रीन पे जाते हैं तो आप देखेंगे वो पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लर होता है। ब्लर होता है तो ये भी एक प्रोसेस होती है और पूरी प्रोसेस चलती है। इससे भी आपके मोबाइल का रैम पे असर पड़ता है और वो मोबाइल स्लो होता है। तो आपको इसको ऑफ करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका मोबाइल का और स्मूथ हो जाएगा। तो उसके लिए ऑफ करने के लिए आपको जाना है यहाँ सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है एसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे। एसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर विजिबिलिटी इन्हांस पे। विजिबिलिटी इन्हांस में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी यानी ब्लर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, आप जब भी ऐप खोलेंगे तो ब्लर नहीं होने वाला, बैकग्राउंड में फोटो आपकी क्लियर आने वाली है। फोटो छोड़ो क्लियर, बाकी आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस भी वहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। आप देखेंगे आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर इम्प्रूव मिलेगी। अगर आप कोई खोल के रखेंगे कोई यहाँ पर, तो आप देखेंगे मस्त ये यहाँ पर ये वर्किंग करती है। तो आपको यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस में भी इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपको इसको ऑफ करके रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो फीचर है वो है यानी ऑप्टिमाइजेशन का, ऑटो ऑप्टिमाइज वाला फीचर। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे डिवाइस केयर पे। डिवाइस केयर पे आने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है, सॉरी डिवाइस केयर पे जाने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पे जाना है। यहाँ जाना है आपको ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन पे आने के बाद सबसे ऊपर मिलेगा ऑटोमेशन ऑप्टिमाइज डेली, आपको इसको ऑन करके रखना है। ये क्या काम करता है, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे भी, ऑप्टिमाइज योर फोन ऑटोमेटिकली वंस अ डे इफ यू क्लोज ऐप टू फ्री अप मेमोरी इज टर्न ऑन, बैकग्राउंड ऐप विल बी क्लोज बट यू नॉट योर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ऐप। ये क्या करता है, बैकग्राउंड में जितनी भी प्रोसेस चल रही होती है उसमें से जो आपने लास्ट यूज़ करी है उनको छोड़ के बाकी सारी ऐप्स को ये बंद कर देता है, जिससे आपकी मोबाइल की रैम फ्री होती है। रैम फ्री होती है परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि वंस अ डे ये एक बार ऑटोमेटिक काम करेगा। किस टाइम काम करेगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है टाइम 3 AM को ये काम करेगा और ऑटोमेटिक सारी ऐप यहाँ पर क्लोज कर देगा। तो ये भी बहुत ही काम का फीचर है, तो आपको इसको इनेबल करके रखना है। इसी के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो इसी के अंदर है, आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो रीस्टार्ट एट सेट टाइम, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। ये क्या काम करता है, इसका काम ये है ऑटो रीस्टार्ट। अगर आप अपने मोबाइल को बंद अपने आप से बंद नहीं करते या हो सकते हैं अपने आप से रीस्टार्ट नहीं करते काफ़ी टाइम तक, तो आपको इस फीचर को इनेबल करके रखना चाहिए। ये क्या करता है, ये आपके फ़ोन को एक दिन में या फिर जिस टाइम आप सेट करेंगे उस दिन आपके मोबाइल को ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट करने से भी काफ़ी बग्स और काफ़ी हद तक मोबाइल को राहत मिलती है, क्योंकि क्या होता है जब भी अगर आप कोई अगर सिस्टम भी चलाते हैं तो अगर उसको विंडो को रीस्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रोसेस जो होती है बैकग्राउंड में बंद नहीं हो रही होती वो क्लोज हो जाती है और बाद में ऑन होने के बाद अच्छे से वर्किंग करती है। तो मोबाइल को रीस्टार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए, नीचे आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे टाइम सेट कर लीजिए, उस तारीख को उस दिन को ऑटोमेटिक ये रीस्टार्ट होता रहेगा। तो इसको भी आपको ऑन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ वो भी बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर है। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है डिवाइस केयर पे। डिवाइस केयर पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पे। बैटरी पे ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ जाना है आपको पावर सेविंग वाले ऑप्शन पे। अगर आप अपने मोबाइल में पावर सेविंग मोड का ऑन यूज़ करते हैं तो आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस कम तो होगी यार अगर आप वहाँ पर पावर सेविंग मोड का यूज़ करेंगे तो। ऑलरेडी आप वहाँ पर पावर सेव कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस को होल्ड कर दिया गया है, तो आप वहाँ पर परफॉर्मेंस को लैगिंग पाएंगे। अगर आपको अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो पावर मोड को, पावर सेविंग मोड को आपको ऑफ करके ही यूज़ करना चाहिए। और जो लास्ट वन है वो भी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद जाना है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा मोशन स्मूथनेस या बोल सकते हैं रिफ्रेश रेट, ये आपको हाई पे सेट कर देना है। गेट स्मूथर एनिमेशन एंड स्क्रॉलिंग विथ अ
120 हर्ट्स पे तो आपको उसको स्पेस सेट करना है। इससे आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है और इसकी मोबाइल की स्पीड भी अच्छी होती है। बट इसमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा खाता है, बट मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। ये जो मैंने कुछ टिप्स बताए बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के, तो आपको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए और मुझे ज़रूर बताना इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपका कैसा मोबाइल चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों।